इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आईफोन में व्हाट्सएप के अंदर कम्युनिटी बना लेते हैं, तो कम्युनिटी को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले उस कम्युनिटी को आप यहां पर व्हाट्सएप में जाकर चैट्स में जाकर खोल लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर आपको इस तरीके से तीन लाइनें दिखाई देंगी, तीन डॉट दिखाई देंगे, इस पर जाना है। और उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी इन्फो पर जाना है। और कम्युनिटी इन्फो पर जाने के बाद यहाँ पर हमें नीचे जाना है। नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें एग्जिट कम्युनिटी दिख जाएगी, डिलीट नहीं दिखाई देगी या डीएक्टिवेट दिखाई देगी, तो दोनों में से एक कर सकते हैं। तो मैं डीएक्टिवेट पर टिक करता हूँ, तो यहाँ से डीएक्टिवेट भी हो जाएगी। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग कम्युनिटी, डीएक्टिवेटिंग में डायरेक्टली यहाँ से चली जाएगी। और उसके बाद हमें दोबारा से खोलना है और फिर इसकी प्रोफाइल में दोबारा जाना है। और फिर यहाँ पर जब हम नीचे जाएंगे तो डिलीट ग्रुप का भी ऑप्शन हमें दिखाई देगा, तो इस पर जाइए और डिलीट ग्रुप पर भी टिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक दफ़े यहाँ से फिर निकल जाएगा, फिर यहाँ से फिर दोबारा क्लिक करिए और फिर दोबारा प्रोफाइल पर टिक करिए। और जैसे ही टिक करेंगे तो फिर यहाँ पर नीचे जाइए एग्जिट ग्रुप, और इसको भी क्लिक करिए और एग्जिट ग्रुप कर दीजिए एंड यहाँ से डिलीट ग्रुप कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हुए हैं हमारे, ग्रुप भी डिलीट हुआ है क्योंकि मैंने उसके साथ बनाया था, लेकिन अगर आप कम्युनिटी को डिलीट करते हैं तो ये सिर्फ एक बार होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।